हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ ये टेस्टी से दिखने वाले चॉकलेट बॉम की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम मॉइस्ट। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो को एंड तक देखिए। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चॉकलेट बॉम के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे केक का। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप आटा, आधा कप पाउडर शुगर एंड 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे तो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और यहाँ हम गेहूँ के आटे से ये बैटर बनाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब भी आप केक बनाइए तो ड्राई इंग्रेडिएंट को ज़रूर छानिए। तो ये रेडी हो गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। अब मैं इसे एक बोल में शिफ्ट करूँगी इस तरीके से, और अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और 5 से 7 ड्रॉप वेनिला एसेंस के। आप कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल यूज़ मत करिए, रिफाइंड ऑयल की जगह आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप गर्म पानी। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से भाप निकल रही हो, और थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करेंगे और एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। पानी हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा पानी बिल्कुल गर्म होना चाहिए अच्छे से। और इस तरीके से मिक्स करते हुए एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मुझे 1/4 कप पानी लगा है इस तरीके से। और आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, मैं इसे माइक्रोवेव में बेक करूँगी। आप अपने माइक्रोवेव की सेटिंग के अकॉर्डिंग बेक करिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने यहाँ एक स्क्वायर टिन ले लिया है और ये बैटर इसमें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा केक की थिक लेयर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उसको बेक होने के बाद उसे क्रम्बल करना है, तो इसलिए एक पतली सी लेयर। और इस तरीके से थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे ये बबल्स जो भी होंगे वो निकल जाएंगे। और केक हो गया है बेक, देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। अब हम इसे कर लेंगे क्रम्बल। और मैंने यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, ये 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, और मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर यूज़ किया है। आप मेल्टेड बटर की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, तो चॉकलेट एकदम फ्लोइंग हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से कोट भी हो जाएगा। ये मैंने केक के बॉल्स बना लिए हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो चॉकलेट क्रम्बल करके आप उसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं लगी। और इस तरीके से सारे बॉल्स को चॉकलेट में कोट करके इस तरीके से निकालते जाएंगे, और अब इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट या 5 मिनट में ही ये सेट हो जाएंगे। और अब मैंने एक पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट मेल्ट कर ली है डबल बॉयलर से, और इस तरीके से डिज़ाइन बना देंगे। आप इस जगह पर स्प्रिंकलर्स भी स्प्रेड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हैं, हेज़ल नट्स भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ इस तरीके से कर रही हूँ, तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। और जब भी आप इसको सर्व करिए तो चिल्ड सर्व करिए, तो ये बाहर से चॉकलेट एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा। आप बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ के लिए ये रेडी कर सकते हैं, सुपर्ब लगेगा। और इस तरीके से आप मनचाही डिज़ाइन बना सकते हैं। सो होप यू ऑल, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, कॉमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और भी आने वाले रेसिपीज़ के लिए और वीडियोस के लिए
और इस तरीके से मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दूंगी और इसे फिर से फ्रिज में रख दूंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं चॉकलेट बॉम्ब्स। तो इसी तरीके से देखते रहिए रुचि क्रिएशंस। सो होपफुली यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।